पिछले कुछ हफ्तों में कोरोना मामलों में जिस तरह से उछाल आया है, ऐसे में आंकड़ों को देखकर ऐसा लगता है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट से भी ज्यादा तेज रफ्तार से फैल रहा है। 2 जनवरी 2022 को देश में कोरोना के 33,647 नए मामले सामने आए। ये आंकड़ा एक दिन में सबसे आए कोरोना मामलों के लिहाज से 17 सितंबर 2021 के बाद से सबसे ज्यादा था। हालांकि ओमिक्रॉन से संक्रमण को लेकर डॉक्टर्स का कहना है कि फिलहाल ये ज्यादा गंभीर बीमारी का कारण नहीं बन रहा है। 2 जनवरी 2022 को खत्म हुए हफ्ते के आंकड़ों के मुताबिक कोरोना मामलों की रफ्तार बेहद ही चिंताजनक है। इस दौरान देश भर में रोजाना औसतन 18,290 नए मामले सामने आए। 25 दिसंबर 2021 तक देश में औसतन 6,641 नए कोरोना मामले सामने आए थे। अब सिर्फ एक ही हफ्ते में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में 175% का उछाल आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कोरोना मामलों में ये उछाल 9 अप्रैल 2020 के साप्ताहिक इजाफे को भी पार कर गया। इस दौरान देश में डेल्टा वेरिएंट की वजह से दूसरी लहर चल रही थी, जिसमें कोरोना मामलों में 75% तक का उछाल आया था। सबसे अहम बात यह है कि अप्रैल 2020 में रोजाना सिर्फ 500 नए कोरोना मामले सामने आ रहे थे, वहीं मौजूदा समय में यह आंकड़ा 18,000 नए कोरोना मामलों पर पहुंच गया है। वहीं अन्य मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 3 हफ्ते पहले ओमिक्रॉन की संक्रमण की दर सिर्फ 2% थी, जो बढ़कर 30% पर पहुंची, और मौजूदा समय में कोरोना के सभी मामलों में ओमिक्रॉन की संक्रमण दर 60% के करीब पहुंच चुकी है। हालांकि कुछ जानकारों का कहना है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा के मुकाबले कम गंभीर बीमारी पैदा करता है। ऐसे में अगर ओमिक्रॉन से देश में तीसरी लहर आती है तो यहां रोजाना 16 लाख से 20 लाख तक रोजाना नए केस आ सकते हैं। अब अगर डेल्टा वेरिएंट की वजह से आई दूसरी लहर की बात की जाए तो डेल्टा जब अपने पीक पर था तब देश में रोजाना 4 लाख डेल्टा मामले सामने आ रहे थे। ऐसे में अगर ओमिक्रॉन से रोजाना 20 लाख नए मामले सामने आते हैं तो रोजाना 60,000 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत पड़ सकती है। हालांकि आंकड़ों को लेकर दिल्ली सरकार का कहना है कि कोरोना के अधिकतर ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिनमें कोई लक्षण नहीं या फिर वो बिल्कुल हल्के लक्षण वाले हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत नहीं पड़ रही है। जो जो लोग कोरोना से बीमार हो रहे हैं उन लोगों को लगभग किसी को भी अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ रही। सब लोग माइल्ड केसेस हैं, छोटा मोटा खांसी बुखार, बिल्कुल माइल्ड केसेस है। या केवल और केवल दिल्ली में 82 बेड ऑक्सीजन के केवल 82 बेड ऑक्यूपाइड हैं, और ये 82 बेड कई दिनों से इसी के आसपास चल रहे हैं। तो कोई भी पेशेंट ऐसा अस्पताल में नहीं आ रहा जिसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही हो। जिसको आज हमारी तैयारी है 37,000 बेड्स की दिल्ली में। आज दिल्ली सरकार 37,000 कोरोना के ऑक्सीजन बेड्स की तैयारी करके बैठी है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो हम 37,000 बेड्स हमारे पास तैयार है। वहीं अगर दिल्ली में कोरोना संक्रमण की दर की बात की जाए तो ये फिलहाल 4.59% है, जबकि मुंबई में संक्रमण दर 1 जनवरी को 13% थी, जो 2 जनवरी 2022 को बढ़कर 16.9% पर पहुंच गई। फिलहाल यहां पर हॉस्पिटलाइजेशन का आंकड़ा भी काफी कम है। 27 दिसंबर 2021 को मुंबई में 14,887 बेड्स में से सिर्फ 1,960 ही भरे हुए थे। वहीं 2 जनवरी को बेड की संख्या को बढ़कर 30,565 किया गया, जिनमें से सिर्फ 3,059 बेड ही भरे हुए थे। वहीं पश्चिम बंगाल के कोलकाता में 22,945 बेड उपलब्ध थे, जिनमें से सिर्फ 1,002 बेड ही भरे हुए थे। वहीं कर्नाटक के बेंगलुरु की बात की जाए तो यहां पर कोरोना मृत्यु दर सिर्फ 0.59% है, और पिछले 7 दिनों से यहां पर कोरोना संक्रमण दर 1.14% पर बनी हुई है। हालांकि शुरुआती आंकड़ों को देखकर ओमिक्रॉन को हल्के में लेना आत्मघाती साबित हो सकता है, क्योंकि जब देश में डेल्टा वेरिएंट की वजह से दूसरी लहर की शुरुआत हुई थी तब भी यही दावा किया जा रहा था कि डेल्टा कम घातक है। लेकिन उसके बाद देश में डेल्टा की वजह से क्या हुआ ये किसी से छुपा नहीं है।